हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आज हॉस्टन वार्डन की पोस्को की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 क्लास लेके आए हैं। यहाँ पे आज तक दोस्तों आपके 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं और आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट है पोस्को का। यहाँ पे आपको जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन में लिए जाते हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने विद्यार्थी अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जब कर लें, ठीक है। चलिए, बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चे का निम्नलिखित में से किस में काम करना प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि बाल श्रम अधिनियम जो 1986 के अकॉर्डिंग आपको बच्चों का निम्नलिखित में से किसमें काम करना प्रतिबंधित है, तो इस चीज़ को बताना है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है तो आप लोग जरूर बताइए। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका कालीन बुनाई उद्योग, ऑटोमोबाइल कार्यशाला या घरेलू नौकर के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि आपके उपरोक्त में से सभी, यानी कि ये आपके तीनों के लिए प्रतिबंधित है। ये कोई भी काम बच्चे नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 1986 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों, आपके हॉस्टल वार्डन का पर इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिसमें आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करती रहनी है, जिससे कि आपका एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार एक बच्चा बोलते हैं, ठीक है, एक बच्चा बोलते हैं मतलब, अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस आपको समझना है क्या है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति जिसने अपनी 14वीं वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, ठीक है। तो 14वीं वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि बाल श्रम अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल श्रम अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था। तो दोस्तों, ये आपका 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। कब? 23 दिसंबर 1986 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे दोस्तों कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के किस धारा के तहत बच्चों का कुछ व्यवसायों एवं प्रतिक्रियाओं में संलिप्त लगान यानी कि नहीं कर सकते हैं, तो किस धारा के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों, ये आपकी धारा 3 के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सी कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 3 के अकॉर्डिंग होता है। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चंस हैं। और आपको दोस्तों बता दें कि अगर आप लोगों को अन्य सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट करना है, किस सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसकी भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 की बात करें, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण स्थापना कब हुई। तो आपका प्राधिकरण स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1993 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1993 ईस्वी में। दोस्तों देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाती है। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। हाँ, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 किस धारा के तहत बाल श्रम तकनीकी सहायक समिति का गठन का प्रावधान है। तो किस समिति के गठन का प्रावधान है, तो किस धारा के अंतर्गत पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि धारा 5 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धारा 5 के अंतर्गत। तो दोस्तों, एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट, बाल श्रम अधिनियम 1986 का भाग 3 कब प्रारंभ यानी कि लागू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था यानी कि लागू हुआ था। तो दोस्तों, आपको याद रखना कि 26 मई 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। कब? 26 मई 1993 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, तो दोस्तों बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार बालक के एक दिन में कितने काल अवधि तक कार्य ले सकते हैं।
तो एक दिन में कितने कार्य अवधि तक काट लेते, तो टाइम यानी कि बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों याद रखिएगा, रट लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा आपके हॉस्टल वार्डन में पूछे जाएंगे। तो जो इसकी जो कार्य अवधि रहेगी 6 घंटे से अधिक नहीं, यानी कि 6 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 के तहत आपका यदि धारा 3 के अधीन किसी व्यवसाय प्रतिक्रिया में बालक को कार्य कराया जाता है तो दंड का प्रावधान क्या है। तो अगर कार्य कराया जाता है तो आपके दंड का प्रावधान क्या रहेगा। तो दंड के प्रावधान की बात करें दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 3 महीने से कम नहीं कारावास, जो 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, मतलब 3 महीने से कम नहीं होगी और जो कि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और यह ₹10,000 जुर्माना जो 20,000 तक बढ़ाया जा सकता है। तो 10,000 रुपये का जुर्माना था वो 20,000 तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे 9 क्वेश्चन थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 9 में से कितने क्वेश्चंस आपके इस टेस्ट में सही हुए हैं। तो अगर आपको दोस्तों इस टेस्ट पसंद आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी, वो भी अपने सेट को सॉल्व कर सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।